हाँ जी, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सब का फिर तो अपने यूट्यूब चैनल पर नोबल क्रू ट्यूटर्स। मैं थोड़ा अपना जशनदीप। आप एक सीरीज नवी शुरू की है क्लास 11th फिजिक्स की, जिसके उपर आप हूँ तक 3 लैक्चर कवर कर चुके हैं। पहले लैक्चर आप चैप्टर 1 कवर किया, फिर बाकी 2 लैक्चर आप चैप्टर 2 के उपर बेस्ड वीडियो डिस्कस किए हैं। जो तुम वो वीडियो अजय नहीं देखी हैं तो आई बटन के उपर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जिहड़ी भी वीडियो मिस कर चुके हो उसनों दोबारा देख सकते हो। तो जिहड़े भी चैनल पर नवे ने सबसक्राइब करना ना भूलो। आज शुरू करते हैं नवा लैक्चर। एनसीईआरटी बुक में आपके को टॉपिक है एक्यूरेसी, प्रिसीजन, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है आप से प्रिसीजन लिख रहे हैं, एंड एरर्स, एरर्स इन मेजरमेंट को बोलते हैं। चलो पूरा क्योंकि मेजरमेंट कराने के लिए एरर आएगा, कोई और एरर नहीं हमें डिस्कस करेंगे, सिर्फ एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है, डिस्कस करते हैं कि एक्यूरेसी वर्ड से प्रिसीजन वर्ड में डिफरेंस भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ए वर्ड। तुम क्लास 11 के जो स्कूल टेस्ट होते हैं उन्हें भी पूछा जा सकता है, कि जब तक क्लास 11 के फाइनल एग्जाम्स उन्हें भी पूछा जा सकता है। डिस्कस करते हैं एक्यूरेसी। अगर आप गल करिए कि तुसी एक गेम जरूर टीवी च देखी होगी या कदे प्ले भी की होगी, इस तरह एक बोर्ड के ऊपर कह लिए या तुसी मूवी देखी होगी सांड की आंख। मैं छोटा जा मूवी का पहला तुहाडे सामने क्लिप शो कर रहा हूं, तुसी क्लिप नु देख के इस वर्ड नु ज्यादा इजीली समझ पाओगे। पहला क्लिप देखिए। के है इसमें, के है इसमें, ये उठाया और लगाया ना सारा सुद्धा फिर ते बोल सही ताई। हां तो उसमें के है, हैं दिखा मने के होया। अरे के कर रही ताई, मजाक ना लग जाएगा ताई। बात बताता ही के खाओ तुम दोनों, निशाना बिल्कुल सीधा लगाओ। सो क्लिप में तुसी देखिया कि इस तरह का एक बोर्ड है जिसके ऊपर इस तरह सर्कल बने हुए ने, ते जेड़ा ऊपर ना पिस्टल पड़ा हुआ है छोटा या अपन का कह सकते हैं पिस्टल टाइप या रिवॉल्वर कह सकते हैं ना, अपना कह सकते हैं डार्ट भी मारने। ठीक है, मतलब गेम है उसे कहते हैं कि जेड़ा डार्ट जिन्ना उस बजेगा सर्कल दे उन्हें ज्यादा मार्क्स, जिन्ना बिल्कुल सेंटर च बजेगा उन्हें सब तो ज्यादा मार्क्स। तो मतलब ऐसे की हो क्या कि एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी मतलब तुम्हारी मेजर्ड वैल्यू ते ट्रू वैल्यू कितनिया क्लोज ने। एक चीज नोटिस करने वाली है, फिजिक्स में पढ़ने से थोड़ा ज्यादा मजा आया होगा, आप छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भी ऐड करने शुरू कीतियां ने हुण कि रियल लाइफ विच या तुसी मूवीज विच फिजिक्स नु कितना रिलेट कर सकते हो या ए टर्म्स कितने यूज कर सकते हो। ठीक है, ते कई बार जे पेरेंट्स रोकन भी तां हमें की देख के तब वो थोड़ी जी फिजिक्स तुसी आंसर कर देना कि फिजिक्स का टॉपिक है या फिजिक्स वाले वर्ड्स डिस्कस करने हैं। चलो ज्यादा नहीं, पर सारा दिन मूवीज भी देखनी है। सो मेजर वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू कितनिया क्लोज ने वो की होगी एक्यूरेसी। हुण गल करते हैं प्रिसीजन दी। इस दे विच फिर मैं एक छोटी जी एग्जांपल ले रहा हूं तुहाडे सामने, इस बार कोई क्लिप नहीं है, कि तुहाडे घर दा एक एंट्री गेट कह लिए या तुहाडे कमरे दा एक एंट्री गेट होएगा। हुण तुसी अपने एंट्री गेट लई एक मिस्त्री बुलाया लकड़ वाला, लकड़ वाले मिस्त्री ने की कीता कि उन्हें डायमेंशन ले लिया कि दरवाजे दियां जो भी अप्रोक्सीमेटली लेट अस से ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਏ, ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ 2.3 ਫਿਟ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਟ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੁੱਟ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 2.3 ਫਿਟ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਆਈ ਜਾਂ ਪਾਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਫਾ 2.3 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2.2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੋਫਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ, ਸੋਫਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਲੱਕੜ ਦਾ,
डोर भी कोई लकड़ का मिस्त्री ही बना रहे। बट जब सोफा बन के आया पता लग गया कि सोफा लोई जो क्लोज नहीं कर रहा, कुछ गलतियां करके, मतलब हूँ की हो रहा कि सोफा आपा तो अपने वालों मेजरमेंट उस तरीके ना दी, बट वो की होया कि मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डोर से सोफे से दिक्कत आ गई, सोफा पास नहीं कर रहा। हाँ जी, बट सोफा पास नहीं होया, एक्चुअल वैल्यू की सी जब दोबारा मेजरमेंट की गई, कोई सियाना बंदा आया उन्हें क्या कि डोर की एक्चुअल मेजरमेंट 2.28 फुट सी, तो जो सोफे की सी वो एक्चुअल मेजरमेंट की नहीं सी 2.25 फुट। ठीक है, थोड़ा बड़ा ले लें, ऐसी की 2.29, जो फाइनली आप कह दें कि जो डोर बन के आए है, दरअसल जो डोर अपने को बन के आए उन्होंने एक्चुअल मेजरमेंट कि आई 2.3 चाहिए, बन के कि आया 2.28, सोफे में चाहिए कि 2.2 बट बन के कि आया 2.29, ऑब्वियसली नहीं पास होएगा, इस करके फेल हो गया। ठीक है, हुण इत्थे गल आउंदी है प्रीसीजन दी कि तुसी जो वैल्यू फाइंड कर रहे हो या मेजर कर रहे हो वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन किन्नी कर रहे हो, किन्ने पार्टिकुलर डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू नू चेक कर रहे हो, वो किन्ने च आ गया, प्रीसीजन च आ गया। ते जो एक्यूरेसी है वो की है कि मेजर वैल्यू ते ट्रू वैल्यू नियर बाय किन्नी आने। हुण इत्थे अगर गल कीती जाए 2.3 2.2 आप ज्यादा क्लोज ने या एक्यूरेट ने, तो 2.2 2.29 एज कंपैरिजन टू नॉट एक्यूरेट ने, आप फिर भी कह सकते कि दोनों ने एक्यूरेटली कोशिश की थी बनाने की, बट एक्चुअली सोफा डोर में पास नहीं होया, काम फेल हो गया। इतने की गल आ गई कि तुम एक डेसीमल की बजाय 2 या 3 डेसीमल पॉइंट तक एक्चुअल वैल्यू मेजर करनी चाहिए सी, अकॉर्डिंगली तुसी बनाना सी। ठीक है, तो ए डिफरेंस होया एक्यूरेसी ते प्रेसिजन विच। सो नेक्स्ट टॉपिक अपने कोल एरर्स इन मेजरमेंट। अगर आप गल करिए पहला तो टाइप्स ऑफ एरर दी, एरर है कि एरर की है अनसर्टेनिटी, मतलब आप जानबूझ के तो नहीं किया, अनसर्टेनिटी होगी मेजरमेंट में कुछ गलत चीज़ा मेजर हो गई है, या अनसर्टेनिटी जिहड़ा इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रहा सी उन्होंने गलत रीडिंग दे दी मैनू। सो टाइप्स ऑफ एरर कीड़ियां हो गई, दो पहला है सिस्टमैटिक, दूसरा है रैंडम। ठीक है, हम आप गल करते हैं कि सिस्टमैटिक की एरर आ सकती है, पहली टाइप सिस्टमैटिक थी, फर्दर इन सब टाइप्स ने तुसी एनसीईआरटी बुक के नाल नाल देख सकते हो, फॉलो करो बुक नू, मतलब जे वीडियो भी देख रहे हो तो भी नाल बुक नू ओपन जरूर करके रखियो, क्योंकि जे कोई विच लाइन मैं मिस भी कर रहा है जे मैं उन्हें रीड नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा, तुसी नाल नाल रीड भी करते जा रहे हो। सिस्टमैटिक एरर पहला टाइप है इंस्ट्रूमेंट एरर, सिंपल जी गल है, मैं बचपन का विच आपा स्केल यूज करते थे 15 सेंटीमीटर वाला, या फिर लोहे का स्केल आ गया 30 सेंटीमीटर वाला, आप खुद अपनी अखा नाल देखा है कि जिहड़ा 30 सेंटीमीटर लोहे का स्केल होंदा सी वो ज़्यादा, मतलब उसके उपर रीडिंग ज़्यादा क्लीयरली रीड की जाती सी, उसके उपर जो वैल्यू सीगियां या जो MM के पॉइंट्स मार्क किए गए थे वो ज़्यादा ईजली विजिबल सके, बट जिहड़ा मेरे को कच का या प्लास्टिक का जो मेरे को स्केल सीगा जिन्होंने मैं लगातार यूज करता से जो पेपर के उपर तो उनके उपर की सी रीडिंग्स लिखिया हुई सी 1 2 3 4 जो वैल्यू सी MM दी लाइन सी मिट जाएँ या थोड़ी फिक्कियां पै जाए, तो मतलब कि एरर हो गया इंस्ट्रूमेंट एरर, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट मैं मेजर कर रहा है डिस्टेंस या डायरैक्ट मेजरमेंट डिस्पैन की लेंथ, हूँ मेरा इंस्ट्रूमेंट की गलत रीडिंग दे रहा है या उसके उपर ही कुछ वैल्यूज मिसिंग ने, मेरी कोई गलती नहीं। ठीक है, बट कि इंप्रूव किया जा सकता है, चेंज कर लो इंस्ट्रूमेंट। दूसरा इम्परफेक्शन इन मेजरिंग टेक्निक,
देखिए अपने को थर्मामीटर घूमना है, ठीक है, तुम देख सकते हो थर्मामीटर जिना आजकल कंप्यूटराइज थर्मामीटर आने लग गया। पहला अपने को जो थर्मामीटर होंगे सके उन्होंने ऊपर मैनुअली रीडिंग करनी पैंती सी कि आप थर्मामीटर को थोड़ा कम आके देखते सके कि मरकरी थर्मामीटर में मरकरी कितने जाके रुक रही है, ठीक है। हूँ इतने इंपरफेक्शन कितना हो सकती है कि मेरी बॉडी का टेंपरेचर हो सकता है अलग हो, या एक जनरल साइंस कहती है कि जो अपने और टेंपरेचर चेक करते हैं या तो थर्मामीटर अपने माउथ में लगा दे या अपने आर्म पे लगा दे, बट दोनों वैल्यूज ही अपनी बॉडी का टेंपरेचर नालो वेरी खांदी है, वेरिएशन होती है। मतलब जनरल साइंस कहती है कि आर्म पे का टेंपरेचर अपनी बॉडी का टेंपरेचर नालो अलग होता है, बट डॉक्टर का उन्हें ही मेजर करके अपन दवाई देते हैं, ठीक है। हुन एंडेज की कह सकते हैं कि इंपरफेक्शन है मेजरिंग टेक्निक इज, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एरर होगी, इंपरफेक्शन मेजरिंग टेक्निक होगी। थर्ड अपने को केड़ी एरर आ सकती है, शहर की दूरी 10 किलोमीटर है जिहड़ा तुहाडे लागे शहर पैंदा, बट नहीं भाई दूसरा बंदा आके कह दे यार तू कदे शहर गया, मैं उधर जाना रहना मैनू पता, 10 दी नहीं 9.5 किलोमीटर की दूरी है, तो परसनल एरर हो गई। ये चीजा एलिमिनेट की जा सकती ने, मतलब सिस्टमैटिक एरर वो ने जिहड़िया एलिमिनेट की जा सकती। हुण आपां अगे गल करिए रैंडम एरर दी, इंपरफेक्शन विच काफी बहुत चीजां नहीं आ जांदियां ने, जिद्दां आपां टेंपरेचर बॉडी दी गल कर रहे हैं, कई बार की है कि सर्दियां दे वेले आपां बॉडी दा टेंपरेचर मेजर करांगे कुछ होर होएगा, गर्मियां च मेजर करांगे कुछ होर होएगा, तां इह चीजां आ गईआं। हुण आ गया रैंडम एरर, रैंडम एरर की है, मतलब कुछ एरर जिहड़े रैंडमली आ जान, रैंडमली या ऐसा कह सकते हैं कि आप अनप्रिडिक्टेबल ने, परमात्मा की मर्जी ना ही कई काफी कुछ हो जाता है। ये वर्ड अनप्रिडिक्टेबल ज्यादा सुटेबल है रैंडम एरर्स नू डिफाइन करने लिए, मतलब कि काफी चीजा ऐसा दी ने जिड़िया कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कीतियां सी। मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा सीगा अपने कमरे च बैठा, मैं बाहर का टेंपरेचर मेजर करने की कोशिश कर रहा सीगा, मैं रीडिंग्स ले रहा सीगा लगातार शाम के 5 बजे कितना टेंपरेचर होंदा पिछले एक हफ्ते तो, बट जो हूँ सवेरे मैं रीडिंग आज जो टाइम मैं रीडिंग वही 5 बजे लैन लगा, तो बट उसे बारिश आ गई, बारिश ना की हो गया टेंपरेचर चेंज हो गया सारा उस समय 5 बजे का, मतलब मेरिया जितनी पिछले 5-6 दिन की मेहनत से सारी मिट्टी हो गई। तो ये अनप्रिडिक्टेबल ने रैंडम एरर्स एक कही जा सकती हैं। या एक होर चीज कह सकते हैं कि एक परसन जो थर्मामीटर रीड करना ही नहीं आ रहा, बार बार आप कही कि तू ही टेंपरेचर चेक करता, वो भी है रैंडम एरर, परसनल भी परसनल एरर है। हूँ ये चीजा की नहीं उसे बायस एरर नहीं बोल दी जा सकती, जोड़ा परसन रीड ही गलत कर रहा है बार बार, जो उन्होंने तुम चेक करना बोलोगे तो गलत रीडिंग ही देगा। सो थर्ड टाइप एक होर आप स्टडी कर लेते हैं, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर देखिए अपने को वर्नियर स्केल ते मीटर गेज दो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड से चपा डिस्टेंस मेजर कर ली या डायमीटर स्मॉल होल मेजर कर ली, ठीक है। इन्होंने आप देखा हुआ कि इन्होंने अपनी एक लीस्ट एरर होती है, या लीस्ट काउंट एरर की है मिनिमम वैल्यू टू विच एंड इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर। कोई इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लिमिट है कि जरूरी नहीं है, हम जो मैं मीटर स्केल सेंटीमीटर स्केल नाल मैं सिर्फ MM तक ही मेजर कर सकता, जो मैं हूँ गल करा कि MM को भी मैं छोटा कुछ यूनिट देखना चाहा वो नहीं हो सकता सेंटीमीटर स्केल नाल, उन्होंने आप कि यूज करते हैं वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल या मीटर गेज स्केल। मतलब हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी लीस्ट काउंट एरर है या मिनिमम वैल्यू जितों तक वो मेजर कर सकता। सो इतों तक समझ आया अपना एक्यूरेसी ऑफ डिसीजन डिस्कस कर लिया, अपना टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट आप इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है काफी बार थर्डी क्लास 11th। सो अगला टॉपिक आपने बोल एब्सोल्यूट एरर, वैलिडिंग एरर, परसेंटेज एरर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
फिर तो बोल रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल का नंबर पक्का ही मिलेगा अपनी क्लास 11 दे एग्जाम से, स्कूल टेस्ट दे एग्जाम से, फाइनल एग्जाम से भी मिलूंगा ही मिलूंगा। इस टॉपिक ना रिलेटेड होएगा यार, डायरेक्टली नहीं कुछ लेके आपसे मिलता है, अगर नहीं है आप डिस्कस कराएंगे वो भी किस साइड से पूछ सकते हैं। एक बार याद रखिए, एब्सोल्यूट मींस मैथ इज इन द ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड मतलब आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। सो डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के नाम एरर दिए, एब्सोल्यूट एरर दिए होंगे, रिलेटिव एरर होते से। कोई पर्सन है, कोई बंदा मान लेने हैं, उन्हें एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिन्हें आप कह सकते हैं कि किड़ा एक्सपेरिमेंट आप ले सकते हैं, सिंपल पेंडुलम, ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम लिया, उन्हें देखा कि उससे एक साइकिल दे टाइम पीरियड के लिए डिफरेंट रीडिंग्स आई हैं। मान लो एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल दी, कोशिश कर रहे हैं रिलेट कर दी, A1 A2 A3 सोना टू AN, उन्हें N रीडिंग्स लिया, डिफरेंट रीडिंग्स का डिफरेंट वैल्यू आई A1 A2 A3 सोना टू AN, ऑब्वियसली डिफरेंट आएगी तो इक्वल भी होंगे अपॉनस आई एन, लाइकवाइज A1 A2 A3 की फॉर्म में डिवाइड कर दिया देयर नेम करता डिफरेंट, है ना। सबका मीन फाइंड कर सकते हैं आप कि आएगा A1 प्लस A2 सम अप टू AN अपॉन N, ये तो की मिल जाएगा मीन। हुन देखिए पर्टिकुलर हर एक वैल्यू, इनो मैं ए बार हर एक वैल्यू कितना वेरी कर रही है कि तुसी ए भी कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं इस विच। अगेन एना दे बाहर मोड लगा दियो क्योंकि आपा एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, मोड लगा दे, ऊपर वाले ने मोड नहीं लगाया, उन्होंने बाद इस तरह सामने वैल्यू पॉजिटिव लिया बट आपका इसे मोड लगा रहे हैं। मान लेते हैं इसकी वैल्यू डेल्टा A1 डेल्टा A2 A3 सो ना टू डेल्टा AN, अगेन एक डिफरेंट जो वेरिएशन आया पर्टिकुलर वैल्यू का अपनी मीन था इनका का अगेन मीन कट सकते हो तुसी डेल्टा A बात जो मैं लिख रहा हूं क्या आएगा डेल्टा A1 मतलब मेरे को मीन वैल्यू नाउ एब्सोल्यूट एरर इस तरह एक्सप्रेस करूंगा, दिस इज माय मीन वैल्यू, दिस इज माय एब्सोल्यूट एरर। ऐसे तो की इंफॉर्मेशन मिलती है, एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या सिंपल सी गल है, या तो ऐड होएगी कोई टर्म या कुछ सबट्रैक्ट होएगी। इंफॉर्मेशन की मिलती है ए बार माइनस डेल्टा ए बार इज लेस देन और इक्वल टू ए, लेस देन और इक्वल टू ए बार प्लस डेल्टा ए बार। आप ये मिनिमम वैल्यू जेडी में वैल्यू कोई साइकिल टाइम पीरियड जिंदी मेजर कर रहे हैं, क्यों तो मिनिमम टाइम पीरियड इतना हो सकता है ए होता कि मैक्सिमम टाइम पीरियड, मतलब इस रेंज पे बीच ही रहेगा टाइम पीरियड, एफ ए इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। ए से आपने बोल एब्सोल्यूट एरर, नेक्स्ट स्टेप रिलेटिव, बहुत सिंपल रिलेटिव की है मीन वैल्यू ਤੇ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੀਨ ਹੈ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਜੀ ਨਾ ਪਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਡੈਲਟਾ ਏ ਬਾਰ ਅਪੋਨ ਏ ਬਾਰ ਇਹ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਦਾ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਵੈਲਿਊ ਐਰਰ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਥਰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ नेक्स्ट आपा पढ़ांगे अगे क्वेश्चन, पहला थोड़े डिस्कस करते हैं जो इस बुक दे विच ने ताडे कोल, मैं वो क्वेश्चन भी डिस्कस करने की कोशिश करांगा
ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन के बाद आगे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दे दीजिए कि इतना टाइप के क्वेश्चन में एरर्स के बीच अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑपरेशंस से ज्यादा एरर को कितना यूज करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज इन दिया गया 2 a b ठीक है, ओना द फाइनल जब आप अरिथमेटिक ऑपरेशन एडिशन करते हैं सबट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की चेंज आएगा। लेट अस कंटिन्यू, देखते हैं यार मजा आ रहा है कि नहीं, गल इतनी मुकदी है ठीक है। मैं अपने लोग बहुत जोर लगा रहा हूं, तुम अपने लोग पूरा जोर लगाओ, लाइक शेयर ते सब्सक्राइब करना, हर एक जेड़े भी बैठे ने ना ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਪੜੀਏ ਹਿੰਦੀ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੂਗਾ, ਉਹੀ ਬੁੱਕਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੈਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਕਲਾਸ 11 ਤੇ ਕਲਾਸ 12 ਦੀ ਜੋ ਪਾਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜਨ ਦਾ ਫਿਕਰ। Okay, example number 2.6 for the screen paper. Two clocks are being tested against a standard clock located in the National Laboratory. At 12 noon, by standard clock, the readings of the two clocks are clock 1, clock 2, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Saturday, the reading of the National Laboratory, which is 12 hours day, 12 ਕਲੋਕ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਲੋਕ 1 ਤੇ 12:05 ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 12:01:15। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਲੋਕ 2 ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੈਟ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਟੂ ਕਲੋਕ ਯੂ ਵਿਲ ਪ੍ਰੈਫਰ। ਦੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 2.6 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਲੂਪ। प्रिसीजन में की देखा जाता है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन तुसी कितना तक मेजर कर रहे हो, या फिर तुसी देख सकते हो कि रेंज जो तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन सेम है, मतलब तुसी सेम डेसिमल पॉइंट तक ही मेजर कर रहे हो, जिमें इतने 12 मिनट नेशनल लैबोरेटरी टाइम में क्लॉक पे इतना टाइम है, सिमिलरली क्लॉक 1 पे क्लॉक 2 ते डिफरेंट टाइम दे रहे हैं। मैं हर एक टाइम इतने नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ ताके सामने एक एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूं एक वैल्यू ना ली ठीक है। मान लेना इस तरह मंडे ट्यूसडे सोना टू संडे, मैं एक लास्ट वैल्यू लिख रहा हूं 12:01:19। सिमिलरली 10:15:11 ठीक है। देखिए तुसी इथे की फाइंड करना है कि रेजोल्यूशन कितना दी सेम है। एक चीज नोटिस करने वाली है यार, आकर टेबल एट टाइम नु इग्नोर करो, दिस टाइम कैन बी सेट और चेंज। हुन 10 नु आपा 12 तक पहुंचा सकते हैं, मतलब मेरी घड़ी 10 क्लॉक पे टाइम गलत शो कर रही है, मैं 10 तो 11 शिफ्ट करना है, 12 शिफ्ट करना कर सकता, बट स्किंटा वाले टाइम नु शिफ्ट नहीं किया जा सकता। घंटा नु आपा शिफ्ट कर सकते हैं, मिनटा वाली सुई भी ओनी एक्यूरेटली वेरी नहीं कर सकते जिन्नी आपा ਸਕਿੰਟਾ ਵਾਲੀ ਦਿਨ ਕਰ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਕਿਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ 10 ਤੇ 12 12 ਤੋਂ 12 ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੁਝ ਰੇਂਜ ਵਰਡ, ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ माइनस मिनिमम वैल्यू। और की देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू की होगी 12 सबसे क्लॉक वन से सेम है, सो घंटे में छोड़ दो कि ना, तो देखो मिनट वाले टाइम में मिनट दे सेकंड में देखने की कोशिश करो कि कितने मिनट कितना वेरिएशन हो रहा है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सिमिलरली क्लॉक टू विच भी 10 सेम है, मिनट वाले टाइम दे सेकंड वाले सो यू देख के देखो कि वेरिएशन मैक्सिमम माइनस मिनिमम कितना हो रहा है। जेड़ा क्लॉक 1 है वो कह रहे हैं कि उसकी रेंज कितनी है 162 सेकंड। जे ना समझ आया हो यार अभी भी तो तुम कमेंट सेक्शन में जब मैंने व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। अगेन इज आर रेंज की ना फाइंड करते हैं, रेंज तुसी मैथ में पढ़ा होगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सिमिलरली जेड़ा क्लॉक 2 है उसकी रेंज बोल रहा 31 सेकंड। सिंपल सी बात नोटिस करने वाली की है, रेंज की है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, जिदी वेरिएशन कट आ रही है
बाकी तीनों लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितना था सेम है, आपका कंपैरिजन नेशनल क्लॉक ना करना है। मैं कर डेमल स्विच चेंज कर सकता बट की 31 सेकंड के बाद 62 सेकंड जो मिनिमम वैल्यू केडी है या छोटी केडी है 31 सेकंड का क्लॉक केड़ा प्रेफर करूंगा मैं, क्लॉक टू प्रेफर करूंगा क्लॉक वन की बजाय। रीजन की है क्योंकि उधर ड्यूरेशन कट आ रहा है, मतलब ऑन दिस टाइम ज्यादा एक्यूरेटली मैंने नेशनल लॉटरी के अकॉर्डिंग दिखाया जा रहा है एज कंपैरिजन टू क्लॉक वन। ठीक है, इसे जरा अगली अगला क्वेश्चन था स्क्रीन पे। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स, द रीडिंग टर्न आउट टू बी 2.63 2.56 2.42 2.71 2.80 सेकंड, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर क्वालिटी ऑफ एरर एंड परसेंटेज एरर। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एग्जांपल नंबर 2.7 पांच रीडिंग्स डिफरेंट दे दिया गया, एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर एंड उन्होंने परसेंटेज एरर। सब तो पहला पांच वैल्यूज में इनका द मीन निकल जाऊंगा, मैं लिख देना टी बार, टाइम पीरियड है इसका भी टाइम पीरियड का टी बार 2.63 2.56 2.42 2.71 2.80 अपॉन 5 एग्जैक्ट वैल्यू 2.62 सेकंड आएगी। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो आपके को ए वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद सारे वैल्यूज को चेक करो कि किनिया वेरिएशन कर रही है इस नाल विद मोर साइन, क्योंकि आपा नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव ही लेना है। अगेन क्योंकि जो नहीं मिला होया तो उसी इस तरीके नाल भी कोशिश करे करन दी। दोबारा उन्होंने सेकंड स्टेप नेक्स्ट स्टेप विच मोर लगाया होएगा या वैल्यूज को पॉजिटिव लिखा होया तो उसी इथे ही कोशिश करो। एतो कितना आ जाएगा 0.01, एतो कितना आ जाएगा अगेन 0.06 0.01 0.06 0.02 0.09 0.18 upon 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किने ने सारे में छी 3 आप आंसर में किने चलांगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स छी उन इस तरह के अपन बता के बात। सो फाइनली एब्सोल्यूट एरर तो सी फाइंड कर सकते हो, उनके लिए आ जाएगी 0.1 या आप आए थे पहले लिखे 2 - 2.62 + - 0.1 फिर रिलेटिव को सी फाइंड कर सकते हो 2.62 2.1 upon 2.62 फिर परसेंटेज आगे दूसरी मल्टीप्लाई करना है 100 नाल तो ताकि तो आंसर आ जाए। तो इस साइड पे काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन यार पूछे जाते हैं। हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट एक लास्ट टॉपिक मैं कवर करने की कोशिश करना चाहूंगा, बहुत तेजी में कोशिश करेंगे कवर करने की, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स एक जनरल सा रूल याद रखते हो, एरर्स आर ऑलवेज ऐड, एरर्स को हमेशा तुझे ऐड करना है। वैसे ये मैं जनरल रूल दस रहा, कोई बुक का नहीं है, मैं अपने बॉडी का अकॉर्डिंग भी यूज कर रहे हैं। एरर्स आर ऑलवेज ऐड बट जनरल जो स्पेसिफिक बुक के अकॉर्डिंग रूल्स है वापस स्टडी करना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स मान लो पहला एडिशन, अपा एडिशन करांगे सब्ट्रैक्शन करांगे मल्टीप्लिकेशन दे डिवीजन करांगे, यही चार टाइप होते हैं अपने को अरिथमेटिक ऑपरेशंस में। एडिशन की बात करते हैं, दो वैल्यूज के मान लो
प्लस माइनस डेल्टा ए तो रीडिंग्स बी प्लस माइनस डेल्टा बी अपना क्या सेट की है एडिशन है ए प्लस बी होएगा देन जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड विल बी ए प्लस डेल्टा माइनस ए एफ ए अपन की रूल फाइंड करना है एडिशन मैं इसकी लगा देता एडिशन का साइन अगेन दोनों ने की करागा सो फाइनली की आ जाएगा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एफ इसमें उसी ऐड ही करना है एथे सब्ट्रैक्शन आ गया ए प्लस माइनस डेल्टा ए दो रीडिंग्स में बी प्लस माइनस डेल्टा बी अगेन जेड की है ए माइनस बी एथे जेड ए प्लस बी सी का एडिशन एथे सब्ट्रैक्शन तक आ जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी एनो कितना लिखा गा जो मेन वैल्यूज ने वो तो सब्ट्रैक्ट हो गया बट जो एरर है वो हमेशा ही ऐड होती है ये याद रखना कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड जो मेन वैल्यू है वो ऐड है सब्ट्रैक्ट हो सकती है डिपेंड करता है क्वेश्चन पर अगेन मल्टीप्लिकेशन है दो रीडिंग्स ने ए प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी याद रखिए डेल्टा ए डेल्टा बी की है एब्सोल्यूट की वैल्यू अपन या एब्सोल्यूट की नहीं एरर आ सकती एरर आ सकती ठीक है तो हमने इसे सेट किया a into b तो मल्टीप्लिकेशन इज a प्लस माइनस डेल्टा a into b प्लस माइनस डेल्टा b z किया है f z प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा फाइनली देखिए मल्टीप्लाई करना था वो इजीली आता है a into b प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी इक्वल्स टू जेड प्लस माइनस डेल्टा एक चीज नोट करियो दोनों एरर्स ने स्मॉल ने मल्टीप्लाई कर रहे हैं निगलेक्ट कर लो बुक पिक्स नेक्स्ट स्टेप इज निगलेक्ट किया हुआ है आप निगलेक्ट कर रहे हैं देन जेड में डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड्स की आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू जेड किया ए बी इक्वल एथे वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन वन वन कैंसल सो रिलेटिव एरर की आ जाएगी डेल्टा जेड बाय जेड इज डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी या तो सिर्फ ऐसा भी याद रख सकते हो कि प्लस माइनस तो दोनों दे रिलेटिव एरर्स नो की कर देना ऐड कर देना वो लिखा है एरर्स आर ऑलवेज इसके ऊपर ताकि बुक में काफी सिंपल सिंपल एग्जांपल्स हैं तुसी देख सकते हो या अगर नहीं कोई समझ आ रही एग्जांपल तुसी मेरे व्हाट्सएप पे भी पूछ लियो मैं फिर भी समझाऊं रेडी हां एरर एडिशन के केस में ट्रू वैल्यूज नो सब ऐड करे हो एरर्स नो ही ऐड करना है सबट्रैक्शन के केस में ट्रू वैल्यूज नो सबट्रैक्ट करे हो आपस में बट एरर्स नो ऑलवेज ऐड ही करना है जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की गल आ जाए तो वो हमेशा नहीं की पूछेंगे रिलेटिव एरर दी गल करेंगे कोई और एरर पूछ ही नहीं सकते या रिलेटिव पूछेंगे या परसेंटेज परसेंटेज दी की ना 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिलेटिव एरर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज रिलेटिव एरर्स आर एडेड ऑफ द टू रीडिंग्स ठीक है ऐसे कि आपने वीडियो लेक्चर नंबर उसे देख सकते हो यार इस तो पहला मैं तीन वीडियोस अपलोड कर चुके हैं हमने लेक्चर नंबर 4 सीखा यूनिट्स एंड मेजरमेंट सीरीज चैप्टर के ऊपर अपन डिफरेंट वीडियोस बना रहे हैं मैं वीडियोस को छोटा रख रहा हूं नंबर वीडियोस में जरूर ज्यादा होएगा बट टू द पॉइंट पर कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक नो बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो करके एग्जांपल्स को भी ताडे सामने डिस्कस कर रहे हैं जी अजे भी कोई डाउट लगता है तुसी जरूर कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे पूछो आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियोस नु लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो अपना नौकरी ट्यूटर चैनल का पेज बनाया है फेसबुक का इंस्टाग्राम का हर थाने लाइक करना ना भूलो धन्यवाद